नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभय प्रताप और आप देख रहे हैं एपी ड्राइंग 2.0। तो गाइस, आज हम आपको बहुत ही आसान तरीके से एमुलेटर की हेल्प से एलिफेंट का चित्र बनाना सिखाएंगे, यानी हाथी का चित्र। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले आपने YouTube पर कहीं भी नहीं देखा होगा, तो आप वीडियो को इसके बिल्कुल भी मत करिएगा, लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा। यहाँ पर आपको एक बड़ा सा ऐसे एमुलेटर लिखना होगा। एमुलेटर लिखने के बाद ध्यान से देखिएगा, यहाँ से आप इसको डबल करेंगे, इधर से लाइन बढ़ाते हुए थोड़ा सा और नीचे की तरफ बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा डबल, और इसको ऐसे मिला दीजिएगा। इस तरह आपको मिलाना होगा। यहाँ से भी हल्के से नीचे की तरफ लाइन को बढ़ा दीजिएगा, पीछे के साइड से इधर से बढ़ाते हुए यहाँ पर भी आप ऐसे डबल कर देंगे। नीचे आप ऐसे छोटे छोटे हाफ हाफ सर्कल ऐसे बना दीजिएगा। बनाने के बाद दोस्तों, जस्ट इधर बगल से ही हमें एक लाइन और ड्रॉ करना है, यहाँ से ऐसे बढ़ाना होगा, ये थोड़ा सा और तिरछा कर देंगे, इधर से आप ऐसे डबल कर देंगे, यहाँ पर मिला दीजिए, इधर भी आप ऐसे सेम प्रोसेस रिपीट कर दीजिएगा। अब गाइस, जस्ट इधर से ही एक लाइन आप ऐसे नीचे की तरफ बढ़ाएंगे, यहाँ से ऐसे हल्का सा तिरछा करिएगा, फिर आगे की तरफ लाइन को बढ़ाइएगा, यहाँ पर भी ऐसे आगे की तरफ लाइन बढ़ाएंगे, इसको हम ऐसे नीचे की तरफ बढ़ा देंगे। सेम प्रोसेस आप इधर भी ऐसे रिपीट कर दीजिएगा। और आपको अगर वीडियो पसंद आए तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि वो भी सबसे आसान तरीके से हाथी का चित्र बनाना सीख जाएं, वो भी एमुलेटर की हेल्प से। अब देखिएगा, जस्ट यहीं से ऊपर के साइड में इसको थोड़ा सा और बढ़ा देंगे, इधर से दोस्तों आपको ऐसे आगे की तरफ बढ़ाना होगा, यहाँ से इधर मिलाइएगा। मिलाने के बाद जस्ट ऊपर ही हमें इधर से बना देना है एलिफेंट का ईयर, यहाँ से बढ़ाएंगे नीचे की तरफ, ये मिला दीजिए ऊपर ही। इधर से आप इधर बढ़ाते हुए यहाँ से हल्का सा अंदर के ले जाएंगे, फिर इसको नीचे की तरफ बढ़ाते हुए दोस्तों यहाँ से ऐसे ऊपर कर दीजिएगा, यहाँ से डबल कर देंगे, ये हो गया एलिफेंट की बड़ी सी सूंड बनके तैयार हो गई। और आपसे एक बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन भी है, अगर आपको पता है हाथी को सबसे ज़्यादा खाने में क्या पसंद है, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ से इस हाथी का दांत भी बना दीजिएगा बड़ा सा। अब हमें बनाना है इसका आई। आई बनाने के लिए छोटा सा एक पॉइंट लगाएंगे और इधर से ऐसे बढ़ाएंगे, ये हो जाएगा आई बन के तैयार हो गया। अब देखिएगा, यहाँ से ऐसे हल्का सा नीचे करेंगे, ये बढ़ाइए, और फिर ऊपर की तरफ ले जाते हुए आप इधर ऐसे बढ़ाएंगे, यहाँ से ऐसे इसको नीचे की तरफ कर दीजिए, और आप इस एलिफेंट की यहाँ से ऐसे पूंछ बना दीजिएगा। देखिए कितना आसान है। तो गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को आप लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, और आपका कोई भी सुझाव हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इधर आप ऐसे छोटी छोटी लाइन भी ड्रॉ कर देंगे।